उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में कानून का कोई राज नहीं है और यहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो मनीष जी ये एजेंडा के तहत ये काम कर रहे हैं। जबकि दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश को तो छोड़िए छोड़िए, उस प्रयागराज में जहां पे अतीक मारा गया वहां पे उसकी मौत के बाद पत्ता नहीं खड़का, पत्ता नहीं खड़का है, किसी की औकात नहीं हुई कि ये कानून का डर है, ये सरकार का डर है, ये सरकार का समझिए इकबाल है कि वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। और जो मनीष जी ने कहा कि यहाँ का मुख्यमंत्री सोता नहीं है, वो तुरंत समझ गए थे। और मनीष जी बहुत ये जो हत्या हुई है इन खैरातियों को, तो अभी आते हैं इनका तो मुंह बंद, ये कितने नंगे हैं ये बताऊंगा अभी, ये जो जंगल राज का हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मनीष जी इस हत्याकांड के कुछ बड़े गंभीर संकेत मिल रहे हैं और आने वाला, अभी तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, लेकिन मेरे ख्याल से कल या परसों में पुलिस पूरी तैयारी के साथ इनका रिमांड लेगी, इनकी रिमांड एप्लीकेशन पुलिस लेगी। आज वो अतीक दफनाया अपना जा रहा था, अभी वो कोई बवाल अपने सिर पे भी रखना नहीं चाहते थे, जरा नहीं शांति से एक्चुअली दफन। एक्चुअली सर होता यह है कि आज चूंकि संडे रहा होगा तो आज जुडिशियल हाँ मजिस्ट्रेट बैठे होंगे। नियमित मजिस्ट्रेट जब बैठेंगे तो उस केस के उसकी यही परंपरा होती है संडे के कारण। उसमें आज एक जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है एक ही मजिस्ट्रेट वही बैठा होगा, तो ये परंपरा यही होती है जी। हाँ हाँ तो तकनीकी जानकारी आपको ज्यादा सही, तो वही यही कारण है कि आज वो जुडिशियल कस्टडी भेजे गए, लेकिन इनकी कल या परसों में रिमांड पुलिस लेगी। और उस रिमांड के बाद मनीष जी कोई बड़ा राज खुलेगा, जिससे मुझको लगता है कि पूरा देश और उत्तर प्रदेश चौंकेगा। मैं कह क्यों रहा हूँ ये समझे दर्शक समझे, कि कल तक हम लोगों ने जब बात की थी तो केवल शूटर दिख रहे थे, पता नहीं चल रहा था कि है कौन। और उसके बाद वो मारते समय जय श्री राम का नारा भी लगा रहे थे मनीष जी। अब उनकी करीब करीब पूरी पृष्ठभूमि सबकी सामने आ चुकी है, तो उसमें से कोई भी जो शूटर है ना, तो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है और ना ही मनीष जी आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी है, ना ही वो किसी बड़े गैंग से संबंधित हैं। दर्शक ये जरा अच्छे से समझ लें कि किसी बड़े गैंग से वो संबंधित नहीं है, इससे पहले उन्होंने कोई बड़ा अपराध भी नहीं किया है। वो एक सनी सिंह है, उसके खिलाफ भी कुछ इसी तरह के, लेकिन उसकी हिस्ट्री सीट है, क्योंकि 17 मामलों में वो अपराधी है, लेकिन वो कुछ ना कोई बड़ा दुस्साहसिक कांड किया हो या कोई हत्या इस तरह का अपहरण लूट का, तो ऐसा कोई कांड उसके नाम भी दर्ज नहीं है। बाकी दोनों को तो आप अगर अपराध शास्त्र की बात करिए तो नौसिखिया अपराधी है, नौसिखिया अपराधी है ये निश्चित रूप से, कहीं ट्रेंड बड़े ट्रेंड किए गए, क्योंकि जिस उससे वो गोलीबारी कर रहे थे, जिस हिसाब से उन्होंने गोली मारी है अतीक को, तो मुझको पहली दृष्टि में लगा था कि ये कोई बड़े शातिर हैं, शूटर हैं, और ये अपराधी ठीक ठाक अपराधी हैं ये। लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि निकल गया है तो पता चला कि अपराधी है कोई बिल्कुल वैसे अपराधी नहीं है, जो इतना बड़ा दुस्साहसिक कांड कर डालेंगे, पुलिस की कस्टडी पर डालेंगे। तो और मनीष जी, जो असलहे, सबसे खास बात की जो असलहे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उसमें से किसी शूटर की औकात ही नहीं है कि वो एक खरीद पाए, वो तो तीन तीन है, नहीं मतलब कोई 4-5 लाख का बता रहा है, कोई बता रहा है 6-7 लाख का, उसके सही तुर्की की पिस्टल है तो भगवान जाने उसका सही दाम क्या, लेकिन कम से कम 4 लाख तो है ही है, क्योंकि 4 से 7 लाख के बीच में अलग अलग लोग बता रहे हैं उसकी। तो ये समझिए कि 12-14 लाख रुपए के तो उनके पास असलहे थे, बाकी वो उनका जो खर्चा रहा होगा, तो इस अतीक को मारने के लिए 15-20 लाख रुपए उनकी औकात ही नहीं है, उनकी औकात ही नहीं है, जो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके उनके माँ बाप घर वाले दिखाए, उसमें जो मौर्या है मनीष जी उसका तो मैं देख रहा था, फोटो ट्विटर पर चल रही थी जहाँ पुलिस पहुंची है, तो वो झोपड़ी में रहते हैं उसके घर वाले, मतलब वो टाट पट्टी हो उसको झाड़ फूं जैसे दे, हमने क्या छप्पर अप्पर डाल देते हैं इस टाइप के घर में रहता है। तो ये इनकी ये औकात नहीं थी, इनको इस्तेमाल किया गया है। और जाहिर सी बात है कि ये अभी ये जो बयान दे रहे हैं कि हम अपना नाम करना चाहते थे, तो ये रटाया जाता है हमेशा इन इस तरह के बदमाशों को, कि वो जो मेन मास्टरमाइंड है वो छुपा रहे। तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी ताकत, कोई बड़ी शक्ति, जिसको हम लोगों ने कल के रात में कहा था, उसका अब मैं पुष्टि के साथ कह सकता हूँ कि मुझको अपूर्ण विश्वास के साथ कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है, और वो भी अभी बताता हूँ मनीष जी मैं कह के हो रहा हूँ। और उसकी वजह है कि एक प्रशासन से जुड़े एक बड़े अधिकारी आज शाम को मेरी बात हुई, जो मेरे गुरुतुल्य हैं उनकी बात हुई, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, कहने लगे मेरी आज अभी शाम को बात हुई है, तो वो कहने लगे कि अभी हम लोग प्रथम दृष्टया ये मान के चल रहे हैं कि ये कोई आईएसआई जिससे जुड़ा हुआ था अतीक,
उससे जुड़ा हुआ कोई लिंक है, उसका जो नेटवर्क है यहाँ पे इंडिया में, खासकर उत्तर प्रदेश में, उससे जुड़ा कोई व्यक्ति है जो बड़ा व्यक्ति है और उसने इनका इस्तेमाल कर लिया है, तो अभी हम अभी कुछ कहना नहीं चाहिए। वो लोग व्यक्तिगत बात में उन्होंने कही कि अभी जब तक कुछ ना आ जाए तब तक निश्चिंत होकर हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या पहली शंका ये उभर कर सामने आ रही है जिस हिसाब से इनकी वोडर साफ रंडी थी। मनीष जी 20 मिनट के अंदर उन्होंने 36 फायर किए हैं 20 सेकंड के अंदर, तो ये समझिए कि कितने उनको ट्रेंड करके भेजा गया था और कितने उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, हथियार जो थे वो कितने गजब के थे, जो उनकी उनकी औकात ये खरीदने की नहीं है। तो ये अभी और सबसे खास बात मनीष जी कि जरा दर्शक ये जान ले कि आज उन शूटरों से, उन शूटरों की शक्ल नहीं देख पाई है ये मीडिया। आज उनको अदालत में पेश किया गया, अदालत से उनको जुडिशियल कस्टडी भेजा गया, लेकिन इन लोगों को उनसे किलोमीटरों दूर रखा गया है। उसकी वजह है कि अब पुलिस को ये भी डर है, अब पुलिस को ये भी डर है कि शायद इनकी भी जबान बंद कर दी जाएगी ताकि वहीं से राज दफन हो जाए। तो अब सबसे बड़ा खतरा तो इन शूटरों की जान पे है कि जिन लोगों ने इनको भेजा है, जिन्होंने इस्तेमाल किया है, अब उनको क्योंकि ये जिंदा पकड़ में है कि उनको हो सकता है कि उनको ये हो कि अब ये अपना मुंह खोलेंगे तो इनको किसने भेजा था ये पता चल जाएगा। और इसीलिए मैं क्योंकि आज आपने देखा होगा कि पूरा मीडिया जो है पूरे हिंदुस्तान का जो आप प्रयागराज में डेरा डाले है, ये अतीक के कब्रिस्तान के आसपास तो मंडराता रहा, लेकिन ये उस जगह नहीं गया जहां इनको इन शूटरों को रखा गया था। इनको जाने ही नहीं दिया गया होगा, इनको बिल्कुल बैन कर दिया होगा और ना ही ये कोर्ट में जाके मंडरा पाए, जबकि निश्चित मंडराते जिन्हें इनकी आदत है। पूरा पूरा झुंड आपको नजर आता, कोर्ट में जाता उसकी फोटो दिखाते, उसकी बाइक लेने की कोशिश करते, लेकिन पुलिस ने अब इनको किलोमीटरों दूर कर दिया है। वो समझे बहुत टाइट सिक्योरिटी में उनको रखा गया है, तो निश्चित है कि उनके पास कोई बड़ा राज है। तो ये तो बिल्कुल प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पुलिस की भी समझ में आ गया होगा, उनके पास अभी जो इंटेलिजेंस लगी होगी। तो ये अभी इंतजार करिए कि जब रिमांड के बाद इनकी पूछताछ होगी तो कुछ बड़ा राज खुलकर आएगा। और इसको पहले हम इसलिए जिक्र कर दिया ताकि आवाज आओ कि इन ये खैराती जी।